परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम तस्मस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षीहुतम भावातीतम गगन सदृशम सद्गुरुं तम नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। भगवान सद्गुरु की कृपा से आज गीता के 12वें अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। उसका पहला श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक इस अध्याय में जो भगवान ने अर्जुन को 1 से 12 तक तो साकार और निराकार के उपासना की उत्तमता का निर्णय किया है और भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए इसका उपाय बताया। इसके बाद 13 से 20 तक भगवान ने भगवत प्राप्ति के जो पुरुष हैं उनके लक्षण बताए। तो साकार और निराकार में कौन सा श्रेष्ठ है इसको जानने के लिए अर्जुन ने प्रश्न किया है। अर्जुन वाच एवं सतत युक्ता ये भक्त्यात्मां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां ये योगवीतमा। एवं सतत युक्ता ये भक्त्यात्मां पर्युपासते ये च अपि अक्षरं अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले हैं मनमोहन ये यानी जो भक्त्या यानी अनन्य प्रेमी भक्तजन एवं यानी पूर्वोक्त प्रकार से सतत युक्ता नाम निरंतर आपके भजन और ध्यान में लगे रहकर आपके सगुण परमेश्वर रूप को त्वाम यानी आपके सगुण परमेश्वर रूप को च यानी और ये यानी जो अक्षरम यानी अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से परियोपासते यानी भजते हैं उन दोनों के उपासकों में योग वित्तमा अति उत्तम योग वेत्ता वाला के यानी कौन संत यानी है। तो ये इसका अर्थ है कि अर्जुन पूछते हैं कि भगवान जो अनन्य प्रेमी भक्तजन जैसा आपने पहले बोला है पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन और ध्यान में लगे हुए और आपके सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अक्षरम अविनाशी सच्चिदानंद घन यानी निर्गुण रूप परमेश्वर को निराकार ब्रह्म को अव्यक्त ब्रह्म को अपियनी ही उपासना करते हैं अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं उन दोनों उपासकों में से श्रेष्ठ कौन है उन दोनों उपासकों में से उत्तम कौन है श्रेष्ठ कौन है उत्तम योग वेत्ता कौन है। तो अर्जुन जो है अर्जुन हो या कोई भी हो जब वो आदमी अधिक से अधिक सद्गुरु से प्रश्न करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि उनका मन जैसे किसी को अपन उकसाते न जा ये बोल दे या ये पूछ ले ऐसे उनका मन उनसे ये पूछने को मजबूर कर देता है। अन्यथा तो सद्गुरु से कुछ भी ना पूछो और चुपचाप सद्गुरु ने जो बताया उस ध्यान में उतर जाओ तो जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आपको ज्ञान हो जाएगा।
लेकिन चूंकि मन का यह स्वभाव है कि वो अंताक्षरी खेलता है, चूंकि ये मन का स्वभाव है कि उसके पास जो मटेरियल है पुराने जन्मों का या समाज की मान्यताओं का, वो समाज की मान्यताओं के हिसाब से सदगुरु के शब्दों को तोलता है, काटता है, छांटता है, साइजिंग करता है उसकी और आकार प्रकार देता है, और फिर अपनी बुद्धि तब उसकी बुद्धि उसको स्वीकार करती है। जैसे आप भोजन करते हो तो पूरी रोटी जो है आप निगल नहीं सकते, लेकिन कुत्ता पूरी रोटी निगल जाता है और अजगर पूरा आदमी निगल जाता है, पूरी भैंस निगल जाता है, लेकिन आपको काटना होता है। बस ये समझ लीजिए कि ये मन का स्वभाव है कि मन उसकी काट छांट करता है, और अगर आप इस मन की काट छांट में जब सदगुरु ने आपको दीक्षा दी और सदगुरु ने आपसे कहा कि बेटा हाथ में जल लो और लिखो कि तन मन धन अर्पण किया, अपने मन अपने अंदर इस बात का संकल्प करो कि तन मन धन अर्पण किया, अगर आप उस वक्त ही अपने मन से हाथ जोड़ लो, अपने मन से तलाक ले लो, अपने मन से विदा ले लो, अपनी बुद्धि से विदा ले लो और अपना जो शरीर है इसको केवल प्रकृति का माया का एक किराए का मकान समझ के इस पे ज्यादा आसक्त न हो, देह भाव में से हट जाओ, तो आपको तो उसी दिन ज्ञान हो सकता है, उसी दिन आपको ज्ञान हो सकता है। लेकिन ये देखने में आता है कि कोई भी जिज्ञासु हुआ तो वो सदगुरु से प्रश्न प्रति प्रश्न करता है, क्योंकि उसका जो मन है वो सदगुरु से अंताक्षरी खेलता है, उसका जो मन है वो ये बहाना ढूंढता है कि मैं सदगुरु को कैसे छोड़ दूं, सदगुरु से कैसे दूर चला जाऊं, यहां तक कि वो सदगुरु में काल्पनिक गलतियां निकाल लेता है, कुछ सदगुरु कहते हैं कुछ सुन लेता है, उल्टा सुन लेता है। इसलिए जो जिज्ञासु होगा वो सदगुरु से कम करके ध्यान ज्यादा से ज्यादा करेगा, और ध्यान सारे प्रश्नों का उत्तर है। मुझे एक बात याद आती है, महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति 1000 प्रश्नों की एक डायरी लेकर गया और बुद्ध से कहा मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा अवश्य मैं आपके उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। ने कहा अवश्य मैं आपकी शर्त जो कहेंगे वो करूंगा, लेकिन मुझे प्रश्नों के उत्तर चाहिए, क्योंकि उसका मन बहुत अलग ढंग का था और महात्मा बुद्ध को उसने नाम सुन लिया होगा और वो महात्मा बुद्ध से प्रश्न करके वो ये सोचता था कि मैं अपनी जिज्ञासा शांत कर रहा हूं, लेकिन वो उसकी जिज्ञासा शांत नहीं कर रहा था, उसका जो अहंकार था मन के माध्यम से महात्मा बुद्ध को नीचा दिखाना चाहता था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि स्वीकार है मुझे, आपके प्रश्नों का मैं जरूर उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। व्यक्ति ने कहा ठीक है, व्यक्ति रहा होगा कोई अच्छा आदमी रहा होगा, आज के लोग तो नहीं मानते शर्त, आज के लोग तो सिर्फ इतना कह देते हैं आप शर्त बोलते हो, नहीं हमने तो सुना है कि परमात्मा के जो सदगुरु होते हैं वो तो अनकंडीशनल रहते हैं, वो तर्क दे देंगे। और मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो परमात्मा को पाने वाले लोग होते हैं वो कभी भी ऐसे प्रश्न उत्तर और मन के झंझटों में नहीं पड़ते, वो तो सीधे परमात्मा का ध्यान करते हैं और उसको प्राप्त कर लेते हैं, और गुरु बनाने के पहले वो ये देख लेते हैं कि इसको गुरु बनाना चाहिए अथवा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन एक बार गुरु का वरण कर लिया इसके बाद तो फिर वो गुरु के आज्ञा में साधना करते। मैं साधुवाद दूंगा मेरे उन शिष्यों को, जो शिष्य मेरे कितने भी आंधी तूफान आते हैं, मन भी लाता है, बाहर से लोग भी पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी साधना कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके परमात्मा के मार्ग में अवश्य सफल होंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आप एक काम करें, मेरी ये शर्त है, आपके सारे प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन आपको केवल
एक वर्ष चुपचाप एक जगह बैठना होगा, आपको यहाँ भोजन की, प्रसादी की, रहने की सारी व्यवस्था होगी। आप एक वर्ष सामने जो वृक्ष दिख रहा है पीपल का, उसके नीचे आप बैठे, आपके वहां छाया की व्यवस्था, आपके ऊपर हम कपड़ा लगवा देंगे ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई पशु का, अमित का पक्षी वगैरह का बीट वगैरह ना गिरे। आप बैठिए। व्यक्ति कुछ जिज्ञासु था, उसको कहा कि नहीं, बुद्ध का नाम उसने सुना था, उसने सोचा कि नहीं आज अभी इनको एक वर्ष बाद अपन प्रश्नों के उत्तर भी लेंगे, इनसे बहस भी कर लेंगे, इनकी बात भी अपन मान लेते हैं। हाँ तो बोल ही चुका था वो व्यक्ति, वहां रोज बैठता, उसकी व्यवस्था हो गई खाने की, पीने की, रहने की, सोने की। अब वो दिन गुजरे, महीने गुजरे, और केवल 6 महीने गुजरे और महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के पास गए और उस व्यक्ति से पूछा कि भाई अब आपके प्रश्न पूछ लो, मैं आपके पास आ गया हूं, 9 महीने नहीं बल्कि 6 महीने, एक वर्ष नहीं 6 महीने में आ गया हूं। वो व्यक्ति विनम्रता पूर्वक महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसने कहा भगवान वो सारे प्रश्न के उत्तर तो मुझे 2-3 महीने के ध्यान में मिल गए और मैंने उस पुस्तिका को जिसमें मैं लिख के लाया था उसको मैंने विसर्जित कर दिया, नदी में प्रवाहित कर दिया। तो जो अर्जुन है वो ये प्रश्न पूछ रहा है क्योंकि उसके प्रश्न सारे संसार के लिए कल्याणकारी भी होने वाले हैं। आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि अर्जुन और कृष्ण दोनों विष्णु भगवान के अवतार ही थे, और आपको बहुत कम लोगों में से यह पता होगा कि आप सभी विष्णु भगवान के अवतार ही हैं। आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें विष्णु तत्व ना हो, सच्चिदानंद तत्व ना हो, परमात्मा तत्व ना हो। आपके संसार के जो समाज के नियम है, आपके संसार की जो मर्यादा है, आपकी जो भाषा है, आपकी जो संस्कृति है, आपके जो धर्म है, आपके जो संप्रदाय है, आपके जो रिवाज है, आपके जो परिवार है, आपके जो कुटुंब है, इनकी समस्त मान्यता और रूढ़ियों ने तो आपके जो चेतना है उसको दबा दिया है। आप भगवान है, भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। काहे का काम, काहे का क्रोध, काहे का लोभ, काहे का मोह, ये सब माया के लक्षण है। इनमें लात मारो मिला के और परमात्मा में छलांग लगा दो। काहे के प्रश्न, काहे के उत्तर, प्रश्न शब्द के शब्द आकाश का, आकाश पंच तत्व का, पंच तत्व प्रकृति के, काहे के हड्डा, काहे का मांस, काहे का मल, काहे का मूत्र, काहे का वीर्य, काहे का स्त्री, काहे के पुरुष, समस्त पंच तत्वों से बने हुए पुतले और माया की कठपुतलियां हैं और तुम इसमें जीव भाव के साथ घुस गए हो, वहां से निकलो और ब्रह्म में खड़े हो जाओ। तो ये इस प्रकार से जो अनन्य प्रेमी भगवान के होते हैं वो दो प्रकार से भगवान का भजन यानी ध्यान करते हैं। एक तो वो होते हैं जो भगवान का सगुण ध्यान करते हैं, जैसे कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, जी गुरुदेव के रूप में, अन्य देवी देवताओं के रूप में, और दूसरे वो होते हैं जो भगवान का निरंजन निराकार आत्म रूप में ध्यान करते हैं, जैसे आप और हम साक्षी का ध्यान करके उस निराकार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, अपने आत्मा के ज्ञान को जानने के लिए हम लोग साक्षी का ध्यान करते हैं। आज मुझे हाना ने पूछा कि गुरुदेव मेरे अंदर कुछ विचार आते हैं, नकारात्मक भी आते हैं, सकारात्मक भी आते हैं, मैं उनको, आपके विरुद्ध कोई विचार भी आते हैं उनको मैं रोक देती हूं। मैंने कहा ना रोको, जो विचार आते हैं उनको आने दो, तुम तो बस उनकी साक्षी हो जाओ, उनको देख भर लो, ना उसका कोई चुनाव करो। किसी महापुरुष ने कहा है च्वाइस रहित रहित च्वाइस लेस अवेयरनेस, चुनाव रहित जागरूकता, ये साक्षी है। आपको चुनाव नहीं करना है, आपको जागरूक रहना है, च्वाइस लेस अवेयरनेस, आपको जागरूक रहना है, आपको चुनाव नहीं करना है, आपको वर्ण नहीं करना है। आपने किसी भी चीज का वर्ण किया,
अच्छे का वर्ण किया तो अच्छा भी मन के तल पर है नाश कर देगा, बुरे का किया तो भी मन के तल पर है नाश कर देगा। परमात्मा ना अच्छा है ना बुरा है, परमात्मा ना सच्चा है ना झूठा है, सत और असत से परे पिछले अध्याय में आया है। तो अर्जुन ये पूछ रहा है, उसका प्रश्न स्वाभाविक रूप से एक मन में जीने वाले का प्रश्न है। मैंने पहले ही बता दिया कि ध्यान सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। मेरा अच्छा साधक होगा वो तो सिर्फ इतना करेगा कि ध्यान करेगा और ध्यान के द्वारा जो अनुभव आएंगे उससे सारे प्रश्नों के उत्तर उसको मिल जाएंगे। मेरा उससे कम अच्छा साधक होगा वो मेरे प्रवचन सुनेगा और मेरे प्रवचन में उसको उत्तर मिल जाएंगे। तो इसलिए अर्जुन का जो प्रश्न है कि हे परमात्मा सदगुरु, मैं आपसे जो सतत युक्त हैं अर्थात परम तत्व को जानकर उसमें निरंतर रमण कर रहे हैं, अथवा परम तत्व को नहीं भी जानते लेकिन जागरण में रह के उसमें रह रहे हैं, अथवा जागरण को नहीं भी जानते तो भान अवस्था में रह रहे हैं, अगर वो भान अवस्था को नहीं भी जानते तो वो ध्यान में रह रहे हैं, अगर वो ध्यान को भी नहीं जानते तो वो साक्षी में रह रहे हैं, अगर वो साक्षी को भी नहीं जानते तो वो सदगुरु की सेवा कर रहे हैं और अपना मन बिना उठाए हुए एक सच्चे सेवक की तरह, एक पतिव्रता स्त्री की तरह, एक सच्चे शिष्य की तरह, एक सच्चे मित्र की तरह, एक सच्चे परोपकारी और समाज सेवी की तरह वो सदगुरु की सेवा कर रहे हैं तो भी वो धीरे से आगे जाके उनकी उन्नति होने वाली है। लेकिन जो भगवान आप में जहां भी जिस स्टेज पे भी है वो अगर आप में सतत जी रहे हैं, आपकी सेवा में लगा है, आपके आश्रम की व्यवस्था में लगा है, आपके आश्रय में पड़ा है, आपके चरणों में पड़ा है, आपके द्वारा बनाए हुए कार्यों में लगा है, तो सदगुरु के निर्देशों पर चल रहा है। तो पहला तो ये है कि जो निरंतर साक्षी करके और आपके उस निराकार जो आकार है तो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की ओर बढ़ रहा है या बढ़ गया है या उसमें जी रहा है, तो जागरण की जो अवस्था है इसमें वो जी रहा है, इसमें कौन सा योग उत्तम है? आकारों की भ्रांति मन की उपज है, आकार केवल मन के कारण उत्पन्न होते हैं, आकार केवल आपकी इंद्रियों के कारण उत्पन्न होते हैं, आकार केवल आपके विचारों के कारण उत्पन्न होते हैं, आकार केवल आपके पुराने अनुभवों के कारण उत्पन्न होते हैं, आकार केवल आपके समाज की परंपरा और रूढ़ियों के कारण उत्पन्न होते हैं, आकार केवल आपके धर्मों की मान्यता के कारण उत्पन्न होते हैं, आकार आपके शरीर भाव के कारण उत्पन्न होते हैं, आकार केवल इसलिए उत्पन्न होते हैं कि आपने शरीर को मैं और मेरा मान लिया है। तो अर्जुन का ये पूछना किसमें से कौन सा योग उत्तम है, आकारों की भ्रांति जैसे मन की भ्रांति है, मन की उपज है, और जब जिसने परमात्मा को अपने अंदर जाना ही नहीं तो वह मन घड़ंत साधना करेगा ही करेगा, इससे ज्ञानी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ज्ञानी सिर्फ समझा सकते हैं उसे लेकिन ज्ञानी की बात वो कदापि नहीं मानेगा, क्योंकि उसके अंदर जो भरा हुआ है, उसका जो दृष्टिकोण है, उसकी जो मान्यता है, उसकी जो रूढ़ी है, उसकी जो मूर्ता है, उसका जो बोझ है, उसके परिवार और समाज और के संस्कार हैं, वो ज्ञानी की बात को नहीं मानेगा, ज्ञानी की साधना को नहीं करेगा, वो मिथ्या को ही सच मानेगा, वो मिथ्या के भ्रम में ही पड़ा रहेगा। इसलिए हमारे सदगुरु कहते थे कि पहले जानो, फिर मानो और फिर प्रीति करो। जिसको तुम जानते नहीं, जिसको तुमने देखा नहीं, जिसका तुमने सुना नहीं, जिसको तुमने जाना नहीं, उसकी बातों पर चल पड़ना ये तो मूढ़ों का स्वभाव है, ये तो मूढ़ों का कार्य है। तो सदगुरु से जब अर्जुन पूछ रहा है कि प्रभु आप ये दो बातें हैं, एक तो वो जो निरंतर आपके भजन और ध्यान में लगे हुए हैं और आपके सगुण रूप की उपासना करते हैं, आपके सदगुरु रूप की उपासना करते हैं, आपके यहां पर मंदिर की बात नहीं है, यहां पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बात नहीं है, यहां पर सगुण रूप की बात है, जिसमें गुण है वो सगुण है, और सगुण कौन है, गुण क्या है, गुण वो है, कहते भैया वो तो बड़ा गुणवान है,
गुण वो है जिसने परमात्मा को जाना हो ऐसा कोई व्यक्ति हो। मंदिर की मूर्ति वगैरह के बारे में यहां बात नहीं चल रही है, यहां तो बात यह चल रही है कि जो सगुण है, जिसके तीनों जो गुण है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, जिसमें उसके पास है और जी रहा है, वो शरीर में जी रहा है, वो यहां पर भी निर्जीव की बात नहीं है। और फिर आपके उस निराकार ब्रह्म की मैं बात कर रहा हूं कि जहां सच्चिदानंद घन परमात्मा उसकी उपासना कोई करते हैं, तो इन दोनों में से भगवान श्रेष्ठ कौन है? तो ये बात आप अच्छे से समझ लो। जो भगवान उत्तर देंगे तो दब देंगे, लेकिन आपके सारे उत्तरों का ये साक्षी का ध्यान है। आप इस साक्षी को ध्यान को किया करो, आपके अंदर से सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। और जब तक मेरा ये शरीर है तब तक मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा, और जब मेरा शरीर ना रहेगा तो अस्तित्व परमात्मा के यहाँ पर कोई कमी नहीं है, कोई ना कोई सदगुरु आगे भी आपकी मदद करेगा। अगर आपके आपका काम अधूरा भी रह गया तो भी चिंता न करना, और अगर आपका काम अभी पूरा कर लो तो बहुत अच्छी बात है। आप साक्षी का ध्यान करें, आप सुबह उठें, आप बैठें 70 मिनट शांत बैठें, आप इस प्रकार से ध्यान को सीखना है। वो हमारे शिविर लगते हैं, आपको शिविर में अगर ध्यान सीखना है, आप सत्यबोध प्रेमानंद जो हैं उनको फ़ोन करें, उनसे आप बात करें, उनके फ़ोन नंबर आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे। और आप ध्यान सीखना चाहते हैं तो किसी ध्यान शिविर में आपको ध्यान सिखाया जाएगा। सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शुभम शुभम।